रही है, आपको बता दें आतिशी होंगी दिल्ली की नई सीएम। एक बड़ी खबर, कल ही हमने आपको बताया था कि खुद अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही थी, बड़ा ऐलान किया था कि वो इस्तीफा दे देंगे, लेकिन आप विधायक दल की बैठक में अब ये मंजूर हो गया प्रस्ताव, आतिशी अब दिल्ली की नई सीएम होंगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, केजरीवाल ने आतिशी के नाम का रखा था प्रस्ताव। जिस तरह से उन्होंने जेल में रहते हुए उन पर भरोसा जताया, उनको झंडा फहराने के लिए उनका नाम आगे किया, उसके अलावा उनके काम को लेकर उनकी तारीफ करते हैं, वो विश्वास पात्र है, वो महिला है, वो LG से हेड ऑन ले सकती है, वो अफसरों को डील कर सकती है, तो तमाम सारे जो क्राइटेरिया थे आम आदमी पार्टी में और अरविंद केजरीवाल के सामने, उस क्राइटेरिया में कोई अगर फिट बैठ रहा था तो आतिशी थी। उन पर करप्शन के चार्जेस भी नहीं है, तो तमाम सारी बातें थी जिसको मंथन किया जा रहा था, और हम लगातार जी न्यूज पर कह रहे थे, हमारे सारे जो सहयोगी हैं वो भी इस बात को मान रहे थे कि कहीं ना कहीं आतिशी के सबसे रेस में आगे हैं और आतिशी ही बन सकती है। इसके पीछे ये रीजन है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सबसे, देखिए जो भी रीजनल पार्टी होती है चाहे उसका लीडर होता है, सहयोगी रवि त्रिपाठी जो है वो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधायक दल की नेता चुनी गई हैं आतिशी, और आतिशी अब दिल्ली की यानी कि देश की राजधानी की मुख्यमंत्री होंगी। ये आप विधायकों ने अपने नेता के तौर पर आतिशी को चुना है, तो देखिए होगी एक तरह से वो स्क्रूटनी का प्रोसेस तो पिछले दो दिनों में हो चुका था, वो नाम तय हो चुका था, लेकिन विधायक खुद जब पहुंचे वो जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ही पार्टी की विचारधारा, अरविंद केजरीवाल ही इस वक्त पार्टी के सब कुछ हैं, तो उनका कहना इस वक्त सभी विधायकों ने कहा कि हम मानेंगे। और इस वक्त यहाँ पे मैं सीएम आवास की इस वक्त तस्वीरें आपको दिखा दूं, तो अब से कुछ ही देर में यहाँ पर घोषणा की जाएगी। रमेश भिदुड़ी जी हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी के नेता रमेश भिदुड़ी जी, आतिशी संभालेंगी अब दिल्ली की कमान, अगली मुख्यमंत्री होंगी, आपका रिएक्शन? पुरानी बोतल में नई शराब जी, और कम से कम केजरीवाल जो ईमानदारी के नाम से आए थे उन्होंने ये माना कि ये उन्होंने तय कर लिया कि वो भ्रष्ट थे और भ्रष्ट हैं, और इस भय डर के कारण उनको सत्ता छोड़नी पड़ी। और भाजपा इसी बात को बार बार कह रही थी, दिल्ली वाले इसी बात को बार बार कह रहे थे कि केजरीवाल भ्रष्टाचार में लिप्त है, केजरीवाल शुड रिजाइन, लेकिन केजरीवाल की ढीठता के कारण से पद लोलुपता, केजरीवाल के शीश महल में रहना, इन सब के मद्देनजर रखते हुए वो छोड़ने को तैयार नहीं थे, जो ये कहते थे कि मैं IRS ऑफिसर, और सबसे बड़ा झूठ बोलकर शुरुआत की, दिल्ली के लोगों ने पकड़ा नहीं, वो अपने आप को कमिश्नर बताता रहा, आज तक बताता है, वो कभी इनकम टैक्स कमिश्नर रहा ही नहीं, एडिशनल कमिश्नर रहा था। तो इसीलिए ये एक प्रकार से सत्य की जीत हुई है कि भ्रष्टाचार इस देश में लंबा चलेगा नहीं, लालू जैसे लोगों को जेल जाना पड़ा जी। रमेश जी, लेकिन बीजेपी तो ये भी आरोप लगा रही थी कि यहाँ पर जो राबड़ी मॉडल है उसको भी लागू किया जाएगा, सुनीता केजरीवाल को सीएम बनाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर वो मंत्री जो कि लगातार दिल्ली में मौजूद थी, काम कर रही थी, उन पर ये दांव चला है, अब आतिशी को बनाया है मुख्यमंत्री। मुझे नहीं पता बीजेपी को कोई नेता कह रहा होगा, मैंने आप ही सुबह मैंने बाइट बिलीफ विल बी द चीफ मिनिस्टर नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर इन दिल्ली, मैंने सुबह ही आपके जी न्यूज पे ही बोला है जी। आपका रिपोर्टर मेरे पास सुबह आया था बाइट लेने के लिए, उन्होंने कहा बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में कह रहे हैं, और राज आपका जो अशोक राज पत्रकार है, मैंने उनको कहा, मैंने कहा मैं कौन, मुझे मालूम है केजरीवाल की फितरत को मैं जानता हूँ, उनको डमी और यशमैन चाहिएगा, उन्होंने उनको ये भय रहेगा कि जो कमजोर व्यक्ति होता है, भ्रष्ट व्यक्ति होता है, वो भयभीत भी ज्यादा रहता है, ईमानदार आदमी रहता है, बोल्ड रहता है, तो मुझे मालूम है वो सबसे कमजोर कड़ी कहीं नजर आएगी तो आतिशी नजर आएगी, कि जिसका अपना नीचे जमीन पर ग्राउंड पर कोई लेवल बेस नहीं है, वो इन्हीं के नाम पर चल रही है वो। लेकिन तो रमेश जी, आप इस बात को तो मानेंगे कि एक महिला चेहरे को आगे किया आम आदमी पार्टी ने, लेकिन आप कह रहे हैं कमजोर कड़ी है, महिला बहुत है, महिलाओं की कमी नहीं है, महिला को ये थोड़ी है कि एक आतिशी ही देश में महिला है या आम आदमी के पार्टी के पास आतिशी ही केवल एक महिला है, मुझे कोई इंडिविजुअल आतिशी से मेरी कोई एमएलए तो कोई दुर्भावना नहीं है। केजरीवाल जी की मेंटेलिटी के बारे में बात करूंगी, केजरीवाल को मुझे मालूम है कि इन लोगों को यशमैन चाहिए, इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने वाले व्यक्ति, जनहित में ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ जी। तो आतिशी जी पहले इनकी यशमैन थी, फिर मनीष सिसोदिया की सहयोगी रही। आप कह रहे हैं रमेश जी कि अगर आतिशी के अलावा चाहे गोपाल राय जी को बना दिया जाता तो शायद दिक्कत हो जाती क्या केजरीवाल जी के लिए? आखिरी सवाल ही आपसे। स्वाभाविक है, 101%,
अगर गोपाल जी को बना दिया जाता तो पूर्वांचल के लोग इस बात को भी एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हमारे पूर्वांचल के व्यक्ति को क्यों मुख्यमंत्री हटा रहे हो आप लोग। तो ऐसे चेहरे को आगे लाए हैं जिसके बाद की मुसीबतें कम से कम उनकी कुर्सी को लेकर आगे ना बढ़े। बहुत शुक्रिया रमेश भिदुड़ी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वरुण लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, अंजलि हमारे साथ जुड़ी हुई है। अंजलि, अब क्योंकि लगातार इस पल का इंतजार किया जा रहा था कि दिल्ली का अगला बिग बॉस कौन होगा और नाम आ गया है सामने आतिशी पर, कहीं ना कहीं ये रणनीति अपनाने की कोशिश हुई आम आदमी पार्टी की तरफ से कि एक महिला मुख्यमंत्री को आगे लाया जाए और फरवरी तक कम से कम अब आतिशी मुख्यमंत्री के तौर पर काम करेंगी। अंजलि बिल्कुल, देखिए आतिशी का नाम जो हम कह रहे थे इतने देर से कि सबसे प्रबल दावेदार वही हैं और वही हुआ भी, इस बार कोई सरप्राइज नहीं दिया अरविंद केजरीवाल ने। आतिशी मान लेना ही जो है मुख्यमंत्री का चेहरा होंगी दिल्ली में, क्योंकि कई पैरामीटर्स पर वो फिट भी बैठती हैं। महिला हैं, ये सबसे बड़ी बात है। पीछे दिनों में जिस तरह से स्वाति मालीवाल प्रकरण हुआ उसके बाद से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की साख पर भी सवाल उठ रहे थे, खासकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर और इन तमाम तरह के इल्जाम जो है वो लगाए जा रहे थे। बीते दिनों में पार्टी की छवि भी काफी धूमिल हुई, चाहे वो शराब घोटाले की बात हो या फिर अन्य कई चीजों में जो बड़े नेता जेल गए, तो उन तमाम चीजों से उबारने के लिए आतिशी एक सशक्त चेहरा भी नजर आती है। और इसके साथ साथ इस समय अगर बात करें, जब अरविंद केजरीवाल भी जेल के अंदर थे, मनीष सिसोदिया भी जेल के अंदर थे, तब आतिशी सबसे प्रमुख चेहरा बन गई थी पूरे मंत्रालय में। देखें तो सबसे मुख्यमंत्री के पद के बाद वो दूसरी सबसे बड़ी नेता उस समय या सबसे बड़ी जो है जिनके पास सबसे ज्यादा विभाग थे, सबसे ज्यादा शक्तियां थी वो उनके पास थे। और सबसे अहम बात ये कि आतिशी मनीष सिसोदिया की भी से भी बहुत करीबी है, उनकी भी विश्वास पात्र है, अरविंद केजरीवाल की भी विश्वास पात्र है और साथ ही साथ आंदोलनकारी भी रही हैं, लंबे समय से पार्टी से जुड़ी रही हैं, तो उनको पार्टी की रणनीति की अच्छी समझ है। आगे और किस ये तरह से सीधे तौर पर आने वाले समय में दिल्ली के जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें सीधे तौर पर फायदा पहुंचा सकता है ये निर्णय आम आदमी पार्टी का। रवि, इस निर्णय को आप कैसे देख रहे हैं? हालांकि बीजेपी का कहना है कि कमजोर कड़ी उनको लगता है और ऐसे में अरविंद केजरीवाल के सामने कोई मुसीबत ना आ जाए आगे जाकर, क्योंकि वो एग्जाम्पल्स भी हम देख सकते हैं, चाहे बिहार में हुआ हो या फिर झारखंड में हुआ हो, नाराजगी हो जाती है, नेता फिर बीजेपी में या फिर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तो ऐसा कोई कदम हमारा कोई नेता ना उठा ले, इसलिए आम आदमी पार्टी का ये डिसीजन रहा, बीजेपी के ये आरोप है। रवि, अब देखिए बीजेपी तो विपक्ष है और विपक्ष आरोप लगाएगा कि ये कमजोर कड़ी है और जानबूझ के कहीं ना कहीं ट्रंप कार्ड कहा जाए, तो एक तो कमजोर कड़ी को आपने चुना है। लेकिन जो आम आदमी पार्टी की बात करेंगे उसके नजरिए से ये बिल्कुल सही कदम है। अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने सटीक कदम उठाया है, एक महिला कार्ड खेला है और महिला भी वो जो काफ़ी एक्टिव है। देखिए स्कूल एजुकेशन पर जिस पर अरविंद केजरीवाल क्रेडिट लेते हैं उस पर आतिशी का बहुत काम है। और बड़ी बात कही अभी अंजलि ने कि दोनों अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों की विश्वास पात्र हैं और दोनों पार्टी में मजबूत नेता माने जाते हैं और दोनों ने कहीं ना कहीं उनके नाम को आगे बढ़ाया हुआ, तो कई एक विश्वास पात्र होना, दूसरा कैलिबर है, क्योंकि वो मैंने कहा ना हमेशा एलजी से हेड ऑन कौन ले सकता है। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में पिछले दिनों आतिशी सामने आई, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी बात रखी हो या फिर बीजेपी पर तमाम जो आरोप लगाए हों। वरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, ये कब माना जाए कि बाहर विधायक दल के नेता पहुंचेंगे, आतिशी आएंगी मीडिया के सामने मुखातिब होंगी, क्या कोई शेड्यूल आया है सामने, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर बिल्कुल सीएम आवास के बाहर अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो एक तरह से पूरा डाइस तैयार कर लिया गया है। अब से कुछ देर बाद यहीं पर आकर वो बाइट होगी, यानी कि वो मुख्यमंत्री का नाम के ऐलान की घोषणा इसी पटल से हो चुकी है, हो सकती है जहाँ पर ये तैयार हो रहा है। और आतिशी का नाम आना यहाँ पर बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला बात नहीं है। दिल्ली को इस वक्त अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से ठीक, वरुण आप नज़र बना के रखिए।